हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम क्लास सेवन सोशल साइंस का हाफिल्ड का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे पेपर का सबसे पहला सेक्शन ए है जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा पहला क्वेश्चन है हु द टर्म हिंदुस्तान इन द थर्टीन सेंचुरी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थर्टीन सेंचुरी में हिंदुस्तान टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था आपके सामने ऑप्शन है मिनहाजी सिराज बाबर जियाउद्दीन बर्नी या फिर नन ऑफ ननाउदीज तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिनाहाज ई सिराज अगला क्वेश्चन है वॉट डज डेमोक्रेसी मीन अब आपसे पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है आपके सामने ऑप्शंस हैं इक्वल राइट टू वोट अन राइट टू वोट डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऑल ऑफ दिस तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में सभी को वोट देने का इक्वल राइट right है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कॉम्पोनेट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं लैंड रिलीजन कम्युनिटी नॉन ऑफ्टीज आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंड क्योंकि ये नेचुरल एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व डैश सीट्स इन लोकल गवर्निंग बॉडीज फॉर वुमेन अब आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकल गवर्निंग बॉडीज में वुमेन्स के लिए कितनी सीट्स को रिजर्व रखा है आपके सामने ऑप्शन है वन थर्ड वन फोर्थ वन फिफ्थ या फिर वन सिक्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वन थर्ड क्योंकि जितने भी सीट्स होंगी उनमें से वन थर्ड वुमेंस के लिए रिजर्व कर रखी है अगला क्वेश्चन है द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा अब आपसे पूछा जा रहा है उस रॉक का नाम जो कि मॉल्टन मैग्मा से बनती है आपके सामने ऑप्शन है इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री मेटामोफिक या फिर नन ऑफ ननोफ्टीज तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इग्नियस रॉक जो है वो मोल्टन मैग्मा से बनती है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी अब आपसे पूछा जा रहा है कि खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया डैश टाइम्स अब आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गजनी ने इंडिया पर कितनी बार आक्रमण किया इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना आपके सामने ऑप्शन है एटीन सेवेंटीन ट्वेंटी या फिर इलेवन तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनी ने इंडिया पर सेवनटीन बार आक्रमण किया है अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ विंड अब आपके सामने टाइप ऑफ विंड दे रखी है आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से टाइप ऑफ विंड कौन सी नहीं है ऑप्शंस के आपके सामने सीजनल लोकल परमानेंट या फिर नन ऑफ दीज तो देखिए बच्चों ये सारी ही क्या है टाइप ऑफ विंड है तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज देखिए जो सीजनल विंड होती है वो सीजन के हिसाब से चलती है गर्मी में उसकी अलग डायरेक्शन होती है और सर्दियों में उसकी अलग डायरेक्शन होती है लोकल विंड वो होती हैं जो कि छोटे से एरिया में चलती है और परमानेंट विंड उन विंड को कहा जाता है जो कि पूरे साल एक ही डायरेक्शन में चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ झूठन अब आपसे पूछा जा रहा है कि झूठन बुक के ऑथर का नाम क्या है आपके सामने ऑप्शंस हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कांता गिरीश राव और मोहम्मद अंसारी तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज अब आपसे पूछा जा रहा है कि एटमोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है आपके सामने ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मिसोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फेयर देखिए ट्रोपोस्फेयर ही ऐसी लेयर है जिसमें कि सारी मौसमी घटनाएं घटती हैं इसीलिए एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ट्रोपोस्फेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखर ट्राइब्स लिव्ड इन अब आपसे पूछा जा रहा है कि खोखर जनजाति कहा रहती है आपके सामने ऑप्शंस हैं कश्मीर पंजाब असम या फिर गुजरात तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री अब आपसे पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के वेलफेयर एंड बेटरमेंट के लिए कौन काम करता है आपके सामने ऑप्शन हैं गवर्नमेंट मिनिस्टर सेक्रेटरी या फिर डॉक्टर तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक गवर्नमेंट सरकार ही डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के वेलफेयर एंड बेटरमेंट का काम करती है पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन भी इसमें आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट अब आपको यहां पर एनवायरमेंट के मेजर कॉम्पोनेट बताना है तो इसका आंसर होगा कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोज तो देखिए मेजर तीन कॉम्पोनेंट होते हैं एक होता है नेचुरल सेकेंड होता है ह्यूमन एंड थर्ड होता है ह्यूमन मेड नेचुरल में सारी नेचुरल चीजें आएंगी जैसे कि एयर वाटर लैंड सॉयल एनिमल ह्यूमन में क्या आएगा जो भी ह्यूमन से कनेक्टेड है जैसे कि इंडिविजुअल अकेला इंसान है उसकी फैमिली है उसकी सोसाइटी है अदर सच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और तीसरा कॉम्पोनेंट होता है ह्यूमन मेड जो कि इंसानों ने खुद ने बनाया है जैसे कि बिल्डिंग्स पार्क इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा तो ये इसके तीन मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं अगला क्वेश्चन है वॉट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट आर हेल्थ अब आपको बताना है ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं इसका आंसर होगा जैसे कि डिजीज ड्रिंकिंग वाटर एडिक्यूएट फूड सैनिटेशन एनवायरमेंट एंड मेंटल हेल्थ आर द फैक्टर दैट अफेक्ट आर हेल्थ तो देखिए बच्चों बीमारी है जो हमारा पीने का पानी है एडिकुएट फूड है सैनिटेशन है एनवायरमेंट है मेंटल हेल्थ है ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड केयरफुल द एसेशन रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो देखिए बच्चों आपके सामने एसेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है आपके सामने चार ऑप्शन दे रखें अब आपको ये चारों कब टिक करना है उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए एसेशन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग देखिए आपके सामने एशसन दे रखा है और रीजन दे रखा है लेकिन अगर एशसन सही है लेकिन रीज़न गलत है तो आपको ए पे टिक करना है एशसन गलत है लेकिन रीज़न सही है तो आपको बी पे टिक करना है बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन अगर दोनों सही हैं और जो रीज़न दे रखा है एसेशन का अगर वो भी सही है तो आपको सी पे टिक करना है लेकिन बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन दोनों सही है लेकिन जो रीजन दे रखा है वो गलत है वो प्रॉपर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या टिक करना है डी को टिक करना है अब आपके सामने एसेशन क्या है देर आर टू फोर्सेज विच एक्ट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द अर्थ मतलब कि अर्थ पर दो फोर्सेज लग रहे हैं एक होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड इनसाइड वाले फोर्स को कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्स और आउटसाइड वाले फोर्स को कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्स अब आपके पीछे रीजन दिया जा रहा है एंडोजेनिक फोर्सेज आर द वन विच कॉजेस डिस्ट्रक्शन लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्किनोस ये कह रहा है कि एंटोजेनिक उन फोर्सेज को कहा जाता है जो कि अर्थक्वेक और वॉल्किनो का रीजन होता है तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो एंडोजेनिक फोर्स है वो अर्थ के अंदर लग रहा है और उस वजह से वॉल्किनो और अर्थक्वेक जैसी चीजें होती हैं तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ एसोशन पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन सी जिसमें आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चन तीन नंबर का होगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इस मिड डे मील प्रोग्राम राइट्स इट्स टू बेनिफिट अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है और इसके आपको दो बेनिफिट बताने इसका आंसर होगा मिड डे मील प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद कोक लंच देखिए मिड डे मील प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो कि गवर्नमेंट की एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को दिन के टाइम में लंच प्रोवाइड किया जाएगा अब इसके दो बेनिफिट क्या है पुअर चिल्ड्रन बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग क्लासेज जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल में एडमिशन लेंगे ताकि उनको खाना तो मिल सके साथ ही साथ वो हमेशा स्कूल को अटेंड कर पाएंगे और इसका सेकेंड बेनिफिट ये है ऑल स्टूडेंट वेदर अपर क्लास और लोअर क्लास ईट दिस मिल टुगेदर इन द स्कूल चाहे वो अपर क्लास के बच्चे हो चाहे वो लोअर क्लास के बच्चे हो सभी के सब खाना साथ में खाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जो भेदभाव किया जाता है वो नहीं होगा अगला क्वेश्चन है वॉट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैनुस्क्रिप्ट अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिस्टोरियन जो मैनस्क्रिप्ट को काम में लेते थे उनको काम में लेने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था इसका आंसर होगा दे वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन 13th एंड 14th सेंचुरीज स्क्राइब इन दोज डेज मेड मैनिस्क्रिप्ट बाई हैंड सो कॉपिंग वॉज नॉट एन ईजी एक्सरसाइज देखिए बच्चों थर्टींथ एंड फोर्टीन सेंचुरी में किसी तरह की प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी और जो स्क्राइब्स थे मतलब कि जो राइटर थे उनको अपने हाथों से लिखना पड़ता था तो उसको कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था स्क्राइब फाउंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द हैंड राइटिंग ऑफ द अदर राइटर जो कि जो राइटर्स थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी जो दूसरे राइटर थे उनकी हैंडराइटिंग को अंडरस्टैंड करने में दे वर पोस्ट टू गैज सो देयर वर डिफ्रेंसेज इन द कॉपी ऑफ द टेक्स्ट अब उनको जब समझ में नहीं आता था तो उनको ज़बरदस्ती उस चीज को समझना पड़ता था मान लीजिए किसी की राइटिंग है आपको समझ में नहीं आ रही है लेकिन आपको उसको कॉपी करना पड़ेगा तो आपको जिस तरीके से समझ में आएगा आप उसको ज़बरदस्ती समझने की कोशिश करोगे तो उसकी वजह से क्या होता था कि उसमें जो टेक्स्ट होता था जो मैटर होता था उसमें डिफ्रेंसेज आते थे अगला पॉइंट है द मैनुस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल अब देखिए जब हम चीज़ को कॉपी करेंगे जो ओरिजिनल चीज़ थी वो तो एज इट इज हम नहीं लिख पाएंगे लेकिन जो मैनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो ओरिजिनल कॉपी से बिल्कुल ही ज्यादा डिफरेंट होती थी अगला क्वेश्चन है फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल गिव रीजन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बाढ़ के मैदान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं उपजाऊ होते हैं इसके बीच आपको रीजन बताना है कि ये क्यों फर्टाइल होते हैं इसका आंसर होगा फ्लड प्लेन्स ऑफ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर तो देखिए बच्चों जो बाढ़ के मैदान होते हैं फ्लड प्लेन्स होते हैं वो रिवर की डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से बनते हैं किस तरीके से बनते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं रिवर्स कैरी अलॉन्ग विद दैम इरोडेड मटीरियल लाइक फाइन सॉयल एंड सेडिमेंट देखिए जैसे जो रिवर आ रही है वो अपने साथ में फाइन सॉयल एंड सेडिमेंट ला रही है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वैन अ रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स इट डिपोजिट द इरोडेड मटीरियल एंड क्रिएट फ्लड प्लेन देखिए जैसे कि क्या है रिवर का बैंक है किनारे हैं अब जब नदी आ रही है उसके अंदर बाढ़ है मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी है तो वो अपने किनारों से ऊपर चलने लगती है जब अपने किनारों से ऊपर चलने लगेगी तो जो उसके साथ में इरोडेड मटेरियल है वो क्या करेगी वो किनारों पर जमा करते हुए चलेगी तो किनारों पर जमा होने के कारण इस तरीके से फ्लड पेन का फॉर्मेशन होता है द डिपॉजिटेड मटेरियल मेक द लैंड फर्टाइल अब ये जो डिपोजिटेड मटेरियल है वो क्या करता है इस ज़मीन को उपजाऊ बनाता है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जो रिवर सेडिमेंट ला रही है फाइन सॉइल ला रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल होते हैं इस वजह से जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मनसबदार अब आपसे पूछा जा रहा है कि मनसबदार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इसका आंसर होगा मनसबदार वॉज अ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द मुगल एम्पायर इसका मतलब ये हुआ कि जो मनसबदार थे वो मुगल एम्पायर के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर ही हैड द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ गार्डनिंग हिज पैलेस गवर्निंग हिज प्रोविंस एंड कॉन्करिंग अ न्यू किंगडम और सप्रेसिंग रिविलियंस इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो पैलेस है उसका ध्यान रखना उनकी जो प्रोविंस है उस पर शासन करना और नए किंगडम को जीतना और जो उनके विद्रोह होते थे उनको दबाना देयर सर्वेंट्स कुड कलेक्ट द रेवेन्यू डू फ्रॉम जागीर विलेजेस एंड सेंड डेम टू एम्पर और जो मनसबदार के सर्वेंट्स हुआ करते थे वो जागीर विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और एम्पर को सीधे भेजा करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट पब्लिक हेल्थ के फैसिलिटीज एंड प्राइवेट हेल्थ के फैसिलिटी अब आपको बताना है पब्लिक हेल्थ के फैसिलिटी और प्राइवेट हेल्थ के फैसिलिटी के बीच में डिफरेंस तो इसका आंसर होगा द पब्लिक हेल्थ सर्विसज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट तो देखिए बच्चों जो पब्लिक हेल्थ के सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी आर नॉट ओन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन पर गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता अवेलेबल एट चीपर कॉस्ट फॉर एवरी वन बट डिले इन सर्विस ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ पीपल देखिए यहाँ पर जो सर्विसेज दी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है लेकिन यहाँ पर जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि ये सस्ती होती है लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे क्या है कि बेटर एंड फास्टर सर्विस इज़ अवेलेबल बट वेरी एक्सपेंसिव यहाँ पर आपको जो सर्विसेज है वो बहुत ही अच्छी सर्विस मिलती है बहुत जल्दी मिलती है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड दिस सर्विस मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं वही इनको अफोर्ड कर सकते हैं लैक ऑफ़ प्रॉपर इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज तो देखिए जो पब्लिक हेल्थ केर सेंटर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज़ की कमी होती है लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं जो मशीनरी और टेक्नोलॉजीज होती है वो मॉडर्न ज़माने के काम में ली जाती है तो ये हमारे कुछ मेजर डिफ्रेंसेस पब्लिक हेल्थ के फैसलिटी और प्राइवेट हेल्थ के फैसलिटीज़ में अगला क्वेश्चन है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु इसका आंसर होगा इट इज़ द डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर तो देखिए बच्चों जो वेदर होता है वो हमारे एटमोसफेयर के डे टू डे कंडीशन को बताता है लेकिन जो क्लाइमेट होता है इट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्लाइमेट होता है वो लंबे टाइम तक जो वेदर का एवरेज कंडीशन है उसको बताता है वेदर इज अ शॉर्ट पीरियड एटमोस्फेरिक कंडीशन विच में फ्लक्चुएट बाय टाइम टू टाइम देखिए जो मौसम होता है वो बहुत ही जल्दी बदल जाता है सुबह कुछ और है दिन में कुछ और हो जाता है रात को कुछ और हो जाता है लेकिन जो क्लाइमेट होता है द चेंजेज इन क्लाइमेट टेक अ लॉन्गर टाइम टू चेंज लेकिन जो जलवायु है उसको बदलने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगते हैं सालों लग जाते हैं उसको बदलने में अगला पॉइंट है वेदर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडीनेस जो हमारा वेदर होता है मौसम होता है वो टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी क्लाउडनेस से अफेक्ट हो जाता है लेकिन जो क्लाइमेट है एटमोसफेरिक कंडीशन एट एनी लोकेशन लाइक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर द सनशाइन विंड एटसेट्रा आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट लेकिन जो हमारी एटमोस्फेरिक कंडीशन है जैसे कि ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर है सनशाइन है विंड है वो क्लाइमेट से अफेक्ट होती है तो ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस के बच्चों आपके पेपर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन वन से लेकर ट्वेंटी वन तक कवर किया नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी एट तक कवर करेंगे आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करना है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग